Wish to study and settle abroad? With India's most trusted company, more than 3,000 plus visas in the past year. Meet international delegates. Get scholarship up to rupees 40 lakhs. More than 2,000 plus programs to choose from. Awarded number one consultant by Canadian and American institutes. Visit www.landmarkimmigration.com. बिहार के बेतिया जिले में बीते दिन कथित तौर पर जिंदा साड़ी गई नाबालग लड़की की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में दोषी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। दसा जा रहा है कि लड़की एक महीने की गर्भवती भी सी। संसद की लाइब्रेरी में भाजपा के संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अमरीका के न्यूजर्सी विखे बीते दिन दो हमलावरों वालों की गई गोलीबारी में एक पुलिस मुलाजम सने 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में स्टोर में मौजूद 3 व्यक्ति और खुद हमलावर भी शामिल है। राज्यसभा में आज कोई प्रश्नकाल नहीं होगा और दोपहर 12 बजे तो नागरिकता सोध बिल पर बहस शुरू होगी। प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी ने कि हुण प्याज चोरी भी होने लग पे। ताजा मामला सामने आया मुंबई विखे जिथे कि पुलिस ने प्याज चोरी करने वाले दो दोषियों को गिरफ्तार किया। उक्त व्यक्तियों ने डोंगरी मार्केट दी दो दुकानों में एक क्विंटल 68 किलो प्याज चोरी किए। बंगा सब डिवीजन के पिंड भौरा विखे बलवीर सिंह नां दे व्यक्ति ने अपने पुत्र अमरीक सिंह ते बलविंदर सिंह नाल मिलके अपने भरा गुरदेव सिंह दा तेजर हथियारां नाल हमला करके कतल कर दिता, जबकि उसके पुत्र नूं गंभीर रूप में जख्मी कर दिता गया। इसकी सूचना मिलदे ही जिला पुलिस मुखी अलका मीना ते होर अधिकारी मौके ते पहुंचे ते अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त कमीशन मीटिंग नूं संबोधन करने लई भारत पहुंच गए ने। भारत ते वेस्ट इंडीज दीआं टीमां विचकार तीसरा ते आखिरी T20 मैच अज होवेगा। दोवें टीमां एक एक मैच जीत के बराबरी ते ने। पंजाब सरकार वालों करवाए जा रहे विश्व कबड्डी कप के फाइनल मुकाबले डेरा बाबा नानक विखे भारत पाक कौमांतरी सीमा नेड़े स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम विच करवाए गए। भारत ने कैनेडा की टीम नूं वड्डे फर्क नाल हरा के विश्व कबड्डी कप ते कब्जा किया, जबकि अमरीका की टीम ने इंग्लैंड की टीम नूं मात दित्ती अते तीसरे स्थान ते कब्जा किया। पंजाब अंदर दिनों दिन निगरती जा रही कानून व्यवस्था के मुद्दे से विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा की अगवाई हेठ आम आदमी पार्टी का वफद मंगलवार को DGP पंजाब दिनकर गुप्ता को मिला। DGP को मांग पत्र सौंपने उपरंत हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने DGP को पंजाब पुलिस के कांग्रेसीकरण हो जाने का मुद्दा चुका है, पुलिस तंत्र को सियासतदानों के चुंगल में मुक्त करवाने की मांग रखी है।